33 वर्ष मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिसके बाद बॉलीवुड के साथ पूरा देश शोक में डूब गया है और देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लता दीदी ने गढ़वाली भाषा में भी गाना गाया था। साल 1990 में रिलीज हुई गढ़वाली फिल्म रैबार के लिए स्वर कोकिला ने एक गाना गाया था, जो इस फिल्म की पहचान बन गया। ऐसे में इस फिल्म के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति और यहाँ की बोली भाषा को वैश्विक पटल मिल गया। इस गीत को गाने से पहले लता मंगेशकर ने इसके शब्दों का अर्थ समझा और करीब 4 घंटे बाद इस गीत को गाया, जिसके बाद उत्तराखंडी सिनेमा जगत में ये गीत अमर हो गया। आपको बताते, लता मंगेशकर ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए हैं। लता मंगेशकर की जादुई आवाज के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। उन्हें सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। वहीं आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की कई हस्तियों ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेताओं ने भी ट्वीट कर लता मंगेशकर को अपनी श्रद्धांजलि दी है। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि की खबरों पर सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट newsuttarakhandlive.com पर क्लिक करिए। आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी डिजिटल रिपोर्टिंग का मन रखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं newsuttarakhandtv@gmail.com पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ उत्तराखंड, खबरें हर पल।